हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू नील क्रिएशंस। आज हम ये वाली राखी बनाना स्टार्ट करेंगे। काफ़ी टाइम बाद मैं चैनल पे वीडियो अपलोड करने जा रही हूँ। मैं थोड़ी सी अपने लाइफ में बिजी चल रही थी, इसीलिए मुझसे कोई वीडियो शूट नहीं हुआ। अभी राखी आई तो मैंने फिर से स्टार्ट करने का सोचा कि मैं फिर से राखियों से ही स्टार्ट करूँ। तो हम हमारी पहली राखी लेके आएंगे जो बहुत ही प्यारी और बहुत ही इजी है। इसके लिए हम कोई भी एम्ब्रॉयडरी थ्रेड या कॉटन थ्रेड या फिर हम वूल का धागा भी यूज़ कर सकते हैं। मैं ये एम्ब्रॉयडरी एंकर का थ्रेड ले रही हूँ और हमें इस तरीके के मोती कोई भी टाइप के हों, कोई भी शेप के हों। और ये स्पेसर है, स्पेसर स्टोन बोलते हैं इसको। और ये आम मोती हैं, कोई भी साइज़ के चलेंगे, कैसे भी हों। ये बहुत ही बेसिक और ईजी राखी है। तो चलो हम बनाना स्टार्ट करते हैं। ये देखिए, ये मैंने एंकर का वो वाला थ्रेड कट कर लिया, जितना हमें चाहिए था हम उसका डबल कर लेंगे। और ये एक तुरपाई वाली निडल है, इस पर मैंने छोटा सा धागा लगा के एक साइड नॉट लगाया हुआ है ताकि हमें मोती डालने में आसानी हो। तो इसका हम ऐसे करेंगे, एक पार्ट करके डबल धागे को हम सिंगल करके इसमें ये वाली सुई को अटैच कर लेंगे। ये देखिए, बिल्कुल ऐसे, ताकि मोती आसानी से जा सके। और इसको मैं अब फ्लोर पे बना रही हूँ, तो इसको हम ऐसे रख के यहाँ पे इस तरीके से पेस्ट करके रख लूँगी ताकि ये हिले ना, मुझे मोती वगैरह डालने में आसानी हो। तो पहले जो हमारी ये वाले मोती हैं, ये मैं चार डाल लूँगी स्टार्टिंग में। चार पांच जितनी आपकी रिक्वायरमेंट हो आप उतने ही डाल सकते हो। ये देखिए, इस तरीके से हम फोकस क्यों नहीं कर रहा ये, ये देखिए ये चारों मोती मैंने इसमें अटैच कर लिए हैं इस तरीके से। अब हमने क्या करना है, जो ये वाला मोती था एक ये डाल लिया, उसके बाद जो ये स्पेसर वाला है ये डाल लेंगे। ये आप जितने भी डालना चाहो मोती अपने अकॉर्डिंग आप ज़्यादा कम कर सकते हो। ये देखिए, इसी तरीके से मैंने ये डालते हुए मैं छः डालूँगी ये वाले मोती। इस तरीके की राखी बनानी बहुत ही आसान होती है। और आप अगर अच्छा थ्रेड यूज़ करोगे जो थोड़ा सा हार्ड हो, वो काफ़ी टाइम तक ठीक रहता है, ख़राब भी नहीं होता। तो ये देखिए, ये मैंने इस तरीके से ये बना लिए हैं। देखिए, ये देखिए, ये इस तरीके से डाल लिए जैसे स्टार्टिंग में हमने चार मोती ये वाले डाले थे। चार मोती अब मैं दोबारा यही डाल लूंगी। ये देखिए, इस तरीके से ये हमारी बहुत ही आसान और बेसिक सी राखी थी। अब इसको हम यहाँ से कट करके नीडल को निकाल लेंगे। ये देखिए, और ये टेप को भी हम हटा देंगे ताकि हमारा काम जो है वो हो गया है। ये देखिए, ये प्यारी कितनी बनी है राखी। आपके पास जिस टाइप के भी मोती हो आप वही मोती इसमें यूज़ कर सकते हो। कई बार हमारे पास होता है सेम शेप के नहीं होंगे तो कोई और होंगे। यहाँ पे जो मैंने ये डाला है, अगर आपके पास नहीं है तो वो भी आप डाल सकते हो। एक और ट्रिक, अगर आपके पास कोई पुरानी राखी पड़ी है तो आप वो भी इसमें यूज़ कर सकते हो। ये देखिए, ऐसे नोट लगा दीजिए ताकि जैसे ये, अब तो जैसे ये हिल रहे हैं तो ये एक ही जगह पे टिके रहेंगे। दोनों साइड एक एक नोट बना लीजिए। ये देखिए, बिल्कुल ऐसे, अब ये खिसकेंगे नहीं, जो यहाँ पे टिके हुए हैं वहीं पे रहेंगे। तो आप ये बेसिक सी राखी बनाइएगा और इस साल अपने भाई को बांधिएगा। तो मुझे बताइएगा कि आपको ये राखी मेरी कैसी लगी। थैंक यू फ्रेंड्स।